नमस्कार बच्चों, कक्षा 6। तो आज अपने दिए गए अंकों से कुछ अंक दिए गए, इनमें से छोटी व बड़ी संख्याएं बनाना सीखेंगे। ये प्रश्न अक्सर इनके एक दो प्रश्न हैं, वो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि अंक दिए गए हैं 2874947414750176254023। इनसे बड़ी और छोटी संख्याएं बनाना सीखने अपने। तो दो संख्याओं का मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। जैसा कि 2874 के बड़ी पहले छोटी संख्या बनानी है, फिर बड़ी। तो इसमें आप देखेंगे छोटा अंक कौन सा, 2। तो सबसे पहले छोटे अंक को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे तो छोटी संख्या बन जाएगी। अब इन्हीं संख्याओं को अब बड़ी बनाना है, तो बड़ा अंक ले लीजिए पहले। पहले 8 बड़ा है तो 8, फिर 7, फिर 4 और फिर 2, यानी इसका जस्ट उल्टा है, वो बड़ी संख्या बन जाएगी। इसी तरह से 9741 है, तो इसको छोटा बनाना है, तो पहले छोटा अंक लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये अपनी छोटी संख्या बन गई है। अब इन्हीं अंकों से बड़ी बनानी है, तो पहले बड़ा अंक लेंगे 9, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से आप जो शेष 3 संख्याएं बची हैं, आप अपने स्तर पे इसको अपने अभ्यास के लिए यहाँ करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या बनानी है। तो इसमें कोई भी अंक को आपने 2 बार लिखना है कि उससे छोटी और बड़ी संख्या बन जाए। अब जैसे छोटा अंक है, इसको आपने 2 बार लिख लिया, 3 3 7 8 ऊपर वाले की तरह। अब बड़ा करना है तो उल्टा हो जाएगा, पहले 8, फिर बड़ा 7, फिर 3 3। इसी तरह से आप इन में से कोई अंक को 2 बार लिख करके छोटी व बड़ी संख्याएं बनाएंगे। ये आपको उदाहरण के लिए इन अंकों का प्रयोग करके 2-2 बार, इसमें से आप देख लेना छोटा अंक कौन सा, उसका 2 बार प्रयोग। जब बीच में अगर 0 आती है तो 0 आप शुरू में 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 का किसी अंक से पूर्व कोई महत्व नहीं होता है। 0 0 5 9 ऐसे नहीं लिखना, पहले आप फिर अंक लिखेंगे, 5 0 0 9 लिखेंगे, फिर 9 5 0 0 लिखेंगे। इसी तरह से ये 0 पहले नहीं लिखना है, छोटी बनानी है तो 4 0 0 5 लिखेंगे, और बड़ी बनानी है तो 5 4 0 0 लिखेंगे। तो 0 वालों का विशेष ध्यान देना है अपने। या मैं आपको एक करके बता देता हूँ, जैसे 4 0 7 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 0 पहले नहीं लिखना है, पहले आपने 4 लिखना है, 4 0 0 7, और इसको बड़ा करना है तो 7, फिर आप अंक लिख सकते हो 4 0 0। इस तरह से आप ये बीच के जो दी गई संख्याएं हैं आप स्वयं करेंगे।